कुआ थाना क्षेत्र के जगत नारायण रोड स्थित देवकुटीर अपार्टमेंट में रहने वाले दाऊजी नामक मिठाई दुकानदार सुरेंद्र प्रसाद मित्तल के घर बीते 25 जनवरी को 7 की संख्या में आए डकैतों ने लगभग 8 लाख की डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले का उद्भेदन करते हुए पटना सेंट्रल एसपी अमरीश राहुल ने बताया कि मिठाई दुकानदार के घर डकैत डालने वाले मुख्य साजिशकर्ता दुकान के स्टाफ और बगल के दुकानदार साहिल ने रची थी, जो कर्ज में डूबा हुआ था। लगभग 12 जनवरी से पहले अपराधी ने मोबाइल से रास्ते से घर तक का रेकी कर वीडियो बना प्लानिंग किया था। इस पूरे घटना में अपराधियों ने मिठाई दुकानदार की पत्नी व बेटे को चाकू और पिस्टल की नोक पर बंधक बनाकर लूट की थी। इस मामले में अपार्टमेंट के लोगों ने एक अपराधी को मौके पर धर दबोचा था। घटना के दिन में पकड़ में आया अपराधी रांची का रहने वाला है, जिसकी निशानदेही पर कदमकुआं थाना और सेल के छापेमारी की गई। सेंट्रल एसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देकर अपराधी गया में छिपा था, जिसमें दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना में शामिल दो अन्य अपराधियों की तलाश पुलिस जारी है। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक पिस्टल, लूटे गए 8 लाख में से 25,000 कैश बरामद किया है। 25 तारीख को जब स्टूडेंट लोगों का हर तरफ से स्टूडेंट लोगों के द्वारा जो किया जा रहा था, उसी समय 7:30 बजे के आसपास एक खबर आई हमारे पास कि कदमकुआं थाना क्षेत्र में एक देवकुटीर कैंपस में दाऊजी स्वीट्स के मालिक के आवास पर कुछ अज्ञात अपराधकर्मी जो हैं घर में घुस गए हैं और लूटपाट किए हैं। महिला को बांध दिया था, उसके बेटे को भी बांध दिया था और उसके बाद भाग जेवर और पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी भागने के दौरान एक लड़का जो है वो पकड़ा गया था, जिसका नाम जो है रविशंकर कुमार, उसने अपना नाम बताया था। पहले उसने अपना नाम कुछ और ही बताया था, हमें बहुत तरीके से उसने डाइवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर फाइनली हमें पता चल गया कि उसका नाम जो है रविशंकर कुमार है। वह रातू रोड देवी मंडप थाना सुखदेव नगर जिला रांची का रहने वाला था। उसने हमें अपने कुछ साथियों का नाम बताया, कुछ इधर उधर भी बताया। इसके बीच हम लोगों का आसूचना संकलन जो है वो चल रहा था। हमें जानकारी मिली कि एक रोहित कुमार उर्फ बिट्टू नाम का एक लड़का है, जिसका पूर्व में काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। बेऊर थाना से वो मर्डर के केस में जेल गया है, डकैती के केस में जेल गया है, आर्म्स एक्ट में भी जेल गया है। उसने इस लूट के कांड में एक अहम भूमिका निभाई है। हमारी DIU की टीम जो है लगातार टेक्निकल साक्ष्य के ऊपर काम कर रही थी और फाइनली रोहित कुमार को पकड़ लिया गया। जब रोहित कुमार पकड़ाया तो हम पिक्चर कुछ साफ हुई। घटना कुछ इस तरीके से थी कि दाऊजी स्वीट्स का एक स्टाफ है, जिसका नाम मैं अभी नहीं बता सकता, उसके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया था। वो गाँव से भाग कर आया था। दाऊजी स्वीट्स के बगल में ही एक केटरर का शॉप है, जिसके मालिक का नाम साहिल है, यह भी कर्ज में डूबा हुआ था। ये दोनों चूंकि अगल बगल में ही रहते थे, तो दोनों ने आपस में डिसाइड किया कि दाऊजी के घर में अगर हम लोग लूट की घटना करेंगे तो हमें काफ़ी कैश और ज्वेलरी मिलेगी। इन लोगों ने इस रोहित कुमार जो एक फेमस क्रिमिनल है, जो उसी एरिया का ही रहने वाला है, उसको भी अपने साथ में लिया। तीनों ने मिलकर प्लानिंग की। जो स्टाफ है वह स्कूटी से एक वीडियो एक इवन दाऊजी के ही स्कूटी से वो एक वीडियो बनाया, पूरा का पूरा रास्ता दिखाया उस वीडियो में कि कैसे दाऊजी के घर जाएंगे। उसके बिल्डिंग के ऊपर तक वीडियो बनाता गया, क्योंकि उसको दाऊजी के घर का एक्सेस था। घर तक का वीडियो बनाकर उसने इन दोनों को दिया कि यही वीडियो है, यही रास्ता है, यही घर है, इसी में तुम्हें डकैती की घटना करनी है। रोहित दो लड़के को उपलब्ध कराया गिरफ्तारी करने लूट करने के लिए, जिसमें एक रविशंकर जो है वो पकड़ा गया था और एक अभी बचा हुआ है, जिसका नाम मैं यहाँ नहीं बता सकता। साहिल ने दो लड़कों को उपलब्ध कराया, मनोरंजन और दीपक, जो उसके दुकान में ही काम करते थे। टोटल 4 लड़के दाऊजी के दुकान में घुसे थे, मनोरंजन, दीपक, रविशंकर और एक जो अभी जिसकी अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। प्लानिंग करने में 3 लोग थे, रोहित, साहिल और दाऊजी का एक स्टाफ, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। टोटल इस घटना में कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 अभी गिरफ्तारी इवेट कर रहे हैं। इनके पास से एक लूटा हुआ झोला उसी समय बरामद हो गया था, उसके पास से एक चाकू भी बरामद हो गया था। हमने एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और 25,000 रुपये जो लूटे गए थे वो बरामद कर लिए हैं। बाकी पैसे इन्होंने गछा है कि कुछ इन्होंने अय्यासी पे खर्च कर दिया है और कुछ पैसों की बरामदगी अभी होनी बाकी है। जो बाकी दोनों लड़के पकड़ाएंगे तो पैसे की बरामदगी होगी। इस तरीके से 5 अपराधी अभी जेल जा रहे हैं।
इसमें से सिर्फ एक रोहित का आपराधिक इतिहास अभी सामने आया है, बाकी चारों की आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। ये लोग पैदल आए थे और रोहित जो है वो इन लोगों को भागने के लिए एक रिजगाड़ी उपलब्ध कराने वाला था, लेकिन चूंकि उस समय जानकारी हो गई लोगों को और पकड़ा पकड़ी शुरू हो गई तो ये लोग पैदल ही भाग गए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।